चलिए हेडलाइन डालिए, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन whose axis is vertical। देखिए थ्री डायमेंशन में मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है हमारा जेड एक्सिस। कह रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन हूज एक्सिस इज वर्टिकल। मतलब कोई सरफेस है जिस पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है पी, इसी सरफेस पे मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी का मतलब उसका वेट कंसीडर होगा एम जी नीचे की तरफ। तो अगर पार्टिकल यहाँ पर है, देखिए लिखिएगा ऑन अ स्मूथ सरफेस मतलब पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस केस में यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालें और ऐसे लाइन खींचे तो ये एंगल आपका क्या होगा, फाई होगा। ये आपका परपेंडिकुलर काम करेगा रिएक्शन आर, ये आपका रो होगा, हमने बताया था यही पॉइंट एन लिखा करते थे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो सरफेस है किसी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए रिवॉल्व करने के बाद ये बन जाता है, तो आपसे कह रहा है कि आपको मोशन डिस्कस करना है इस केस में। मतलब पार्टिकल जिस सरफेस पे मोशन कर रहा है वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाता है, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन है, रोटेट हो गया, इसलिए हमने दो बनाया है। पार्टिकल है वेट एम जी नीचे, इसको इधर मिलाया, ये हॉरिजेंटल फाई रो, ये रिएक्शन आर, मोशन डिस्कस करने को कहा है, ठीक है। लिखिए इसको ए मान ले रहे हैं, डायग्राम भर की जगह छोड़ करके लिखिएगा, ठीक है। आर्टिकल में क्या बताया गया, स्मूथ सरफेस है तो सरफेस का फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, पार्टिकल ऑन द सरफेस है, वेट एम जी ऐसे तो रिएक्शन परपेंडिकुलर ऐसे, फाई रो पी, ये सरफेस एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन के अलोंग रोटेट करता है, ये सरफेस रोटेट करता है, तो जब ये सरफेस रोटेट करेगा तो एक नया सरफेस बनेगा और वो ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस मतलब एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। लिखिए इसमें प्रूफ में लिखिए, लेट जेड एक्सिस बी द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, लेट जेड एक्सिस बी द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन एंड लेट कैपिटल पी बी द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। हो गया, आपको शायद पता नहीं, पता है कि नहीं, जैसे कोई भी सरफेस अगर किसी एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करता है तो इस तरीके से आकृति को बनाता है, तो ये आकृति सिलेंड्रिकल टाइप होती है। किस टाइप हो गई, सिलेंड्रिकल। अगर कोई सर्कुलर चीज़ रोटेट करती है तो स्पेयर, कोई वर्टिकल चीज़ रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट तो क्या बनाती है, सिलेंडर। तो अगर हमारा कर्व ऐसे है और वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ऐसे लंबी सी आकृति बनाएगा, वो आकृति कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। इसलिए इसमें जो भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में लिखेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है रो फाई और जेड एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, दैट इज जेड, ठीक है।
लिखिए, इफ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल पी इज, इफ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल पी इज रो फाई जेड, ब्रैकेट में है रो कॉमा फाई कॉमा जेड, देन द एक्सेलरेशन, देन द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखिएगा परपेंडिकुलर जेड ए पी, यही प्लेन बन रहा है, पीछे वाले में ये प्लेन बनता था जेड पी एन, याद आ रहा है अभिषेक, ऐसे डॉटेड करके बनाते थे जेड पी एन, यहाँ पे क्या बनेगा जेड ए पी, क्योंकि कर्व हमारा ऐसे डॉटेड है, और इसके पहले हम लोग पढ़ते थे तो कर्व हमारा ऐसे डॉटेड होता था, ठीक है, तो कर्व के अलोंग ही प्लेन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन क्या होगा जेड ए पी, लिखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड ए पी इज, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड ए पी इज 1/rho d/dt rho स्क्वायर फाई डॉट, 1/rho d/dt rho स्क्वायर फाई डॉट, कैसे लिखे हैं आपने परपेंडिकुलर, तीन कंपोनेंट पढ़े थे dr/dt इन द प्लेन, r के परपेंडिकुलर 1/प्लेन के परपेंडिकुलर r d θ/dt का होल स्क्वायर, और तीसरा आपने पढ़ा था 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, इसमें देखिए r की जगह रो, d/dt r की जगह रो, थीटा की जगह फाई डॉट, ठीक है, एक्सेलरेशन, फिर लिखिए नीचे से लिखिएगा, सिंस देयर इज नो फोर्स, सिंस ये लिख लिए ना 1/r d/dt, फिर लिखिएगा सिंस देयर इज नो फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड ए पी, सिंस देयर इज नो फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड ए पी, देख लीजिए जेड ए पी के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स नहीं है, परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, तो इस केस में 1/rho d/dt रो स्क्वायर फाई डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, दिस इंप्लाइज दैट d/dt क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, रो स्क्वायर फाई डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है, यही थर्ड इक्वेशन हुआ करता था, इसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन कॉमा वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा रो स्क्वायर फाई डॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान ले रहे हैं एच कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज रो स्क्वायर d5/dt इज इक्वल टू एच, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, लिखिए बस ये आर्टिकल और दो क्वेश्चन और पढ़ने हैं। हो गया,
मान ले रहे हैं ए से पी तक की आर्क लेंथ स्मॉल एस है, ठीक है, लिखिए लाइन चेंज करके, लेट एस बी द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी, लेट स्मॉल एस बी द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी मेजर्ड फ्रॉम एनी फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल ए, मेजर्ड फ्रॉम एनी फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल ए, देन द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल पी आर, देन द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल पी आर, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस एस है तो पी पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी आर डी एस बाई डी टी अलोंग द टेंजेंट एट पी, अलोंग द टेंजेंट एट पी टू द जनरेटिंग कर्व, टू द जनरेटिंग कर्व एंड रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी होती है डी आर बाई डी टी, मतलब डी एस बाई डी टी, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होती है आर डी थीटा बाई डी टी, तो आर की जगह क्या है रो, थीटा की जगह क्या है फाई, तो क्या मिलेगा रो डी फाई बाई डी टी, वो इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, लिखिए एंड रो डी फाई बाई डी टी, एंड रो डी फाई बाई डी टी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड ए पी, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड ए पी, फुल स्टॉप, नीचे से लिखिए देन बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉमा वी हैव, कॉमा वी हैव, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की क्या होती है कॉन्स्टेंट, फिजिक्स में पढ़ते थे आप लोग, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इंप्लाइज दैट हाफ एम वी स्क्वायर, दो तरह की वेलोसिटी पाई गई है, एक पाई गई है डी एस बाई डी टी और दूसरी पाई गई है रो डी फाई बाई डी टी, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस रो डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, एम जी एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हमने बताया किसके बराबर होगी जेड के, ठीक है अभिषेक कोई इतने में दिक्कत, क्लियर है ये, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस एम जी एच, एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज जेड, ठीक है, फिर देखिए दिस इंप्लाइज दैट डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में टू एम से, एम से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एम से डिवाइड कर देंगे हट जाएगा, टू इधर आएगा तो क्या मिलेगा टू जी जेड, ठीक है, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर टू, इतना उतारिए डायग्राम बनाइए, आप लोगों के यहाँ लोगों ने कराया, बड़े लोगों ने कराया कि नहीं कराया वैक्सीनेशन कोविड वाला, नहीं
अरे करवा ले, बोल दीजिए करवा ले, हमारे यहाँ तो सब करा लिए 60+ वाले। जैसे 50+ के ऊपर हो रहा है। डायबिटीज़ है, लेकिन डायबिटीज़ का कोई फ़र्क नहीं, हमारे यहाँ भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सब था, लेकिन करवा लिया। हाँ करवा लेना चाहिए। का हेडलाइन है, देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अ पार्टिकल, देखिए मोशन पहले लिख लीजिए फिर समझा दे रहे, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्मूथ सरफेस, ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन whose axis is vertical, whose axis is vertical। शब्दों को पढ़िएगा, देखिए motion under gravity, motion under gravity of a particle on a smooth surface, smooth surface के ऊपर अगर weight ऐसे काम करेगा तो reaction आ इधर, ठीक है, जबकि ये surface वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करेगा तो क्या बनाएगा, सिलेंडर, इसीलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है, ठीक है। चलिए अब नीचे से लिखिए, द इक्वेशन 1 एंड 2, द इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स द मोशन, द इक्वेशन 1 एंड 2 gives the motion by equating the forces। देखिए ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो इसके अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट होगा, जेड, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सिलरेशन होता है क्या होता है, d2z / dt2। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इसके अलोंग लिखेंगे तो m into a मतलब फोर्स का इज इक्वल टू बाकी रिजल्टेंट, है ना, तो वही चीज़ लिखवा रहे हैं। लिखिए द इक्वेशन 1 एंड 2 गिव द मोशन बाय इक्वेटिंग द फोर्सेस पैरेलल टू AZ एक्सिस बाय AZ एक्सिस के पैरेलल जितने भी फोर्सेस होंगे उसको किससे इक्वेट करेंगे, m d2z / dt2
बाय एम डी टू जेड बाय डी टी स्क्वायर कॉमा वी कैन ईजली फाइंड द रिएक्शन आर. वी कैन ईजली फाइंड द रिएक्शन आर. वी कैन ईजली फाइंड द रिएक्शन आर. अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पूरी बात समझ में आ गई. किस एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो रहा है? जेड एक्सिस के अलोंग. जब जेड एक्सिस के अलोंग कोई चीज रोटेट करेगी तो इस शेप में आएगी. क्या होगा? फाई एंगल तो कांस्टेंट रहेगा. यहां पे रो का मान इतना, यहां पे रो का मान इतना, यहां पे रो का मान इतना, यहां पे रो का मान. देखिए हर जगह फाई कांस्टेंट होगा. क्यों अभिषेक? क्योंकि दो पैरेलल एक्सिस को अगर कोई लाइन कट करती है तो एंगल क्या होता है? कांस्टेंट. लेकिन यहाँ रो इतना बड़ा, यहाँ इतना कम, यहाँ इतना कम, यहाँ और कम. बदल कौन रहा है? रो. ठीक. कब रो बदल रहा है? जब हम किस एक्सिस के लॉन्ग रिवॉल्व कर रहे हैं? जेड. तो अगर नए कर्व का इक्वेशन लिखें जो इसके अबाउट रोटेट करने से मिलेगा, तो रोटेशन में फाई तो कॉन्स्टेंट हो गया. किस एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन है? जेड के. बदल कौन रहा है? रो. तो ये जो नया कर्व मिलेगा रिवॉल्यूशन से, ये इसका इक्वेशन होगा. जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रो. लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ, नीचे से लेट द इक्वेशन ऑफ जेनरेटिंग कर्व इज, लेट द इक्वेशन ऑफ जेनरेटिंग कर्व इज Z is equal to F rho. Z is equal to F bracket में rho. नीचे से लिखिए where rho comma phi comma Z, where rho comma phi comma Z are the cylindrical polar coordinate, are the cylindrical polar coordinate of P. Of P. ठीक है. अब जरा समझिएगा. देखिए काजल इधर. S ऐसे है. क्यों अभिषेक? S ऐसे है. Z ऐसे होगा. Z ऐसे होगा. ठीक है. और रो X एक्सिस के अलोंग होगा. ठीक है. ठीक है अभिषेक. तो अगर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसका मान भी किसके बराबर होगा? Z के. तो हम लोग लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर. अगर इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो डी एस बाई डी टी, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे डी जेड बाई डी टी, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे डी रो बाई डी टी. तो डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी रो बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर. देख के बताइए लिख सकते हैं कि नहीं. ठीक है. पाइथागोरस प्रमेय सीधे सीधे कुछ ना समझ में आए तो कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग के सम के बराबर होता है. वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे तो ये रिजल्टेंट है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. ठीक है. नीचे से लिखिए सिंस, सिंस डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी रो बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर. ब्लैकबोर्ड पे देखिए, बाद में लिखिएगा. दिस इंप्लाइज दैट डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी रो बाई डी फाई इंटू डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एफ रो. मतलब जेड किसका फंक्शन है? रो का. तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? रो के. तो डी जेड अपॉन डी रो, डी रो, रो किसका फंक्शन है? फाई का. अपॉन डी फाई, और फाई किसका फंक्शन है? टी का. देख लीजिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, वापस से डी जेड बाई डी टी आ जाएगा. ठीक है. ठीक है अभिषेक. अब देखिए
दिस इम्प्लाइज दैट डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इन दोनों टर्म से डीरो बाई डी फाई इन टू डी फाई बाई डी टी का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. यहाँ बचेगा वन प्लस, यहाँ बचेगा डी जेड अपॉन डी रो का होल स्क्वायर. ठीक है, फिर देखिए. इतना उतार लीजिए. फिर बता रहे हैं. आप चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं. देखिए, ये हमारा कर्व था, ये ए पॉइंट था. इस दिशा में हमारा डी जेड बाई डी टी होगा, इस दिशा में हमारा डी रो बाई डी टी होगा, और इस दिशा में हमारा डी एस बाई डी टी होगा. तब जाकर के ये एक्सप्रेशन लिखा गया है. ये डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं. हो जाए तो बताइएगा. आगे क्या करना है अभिषेक? बाहर जाएंगे, पीजी डाल दीजिए वहाँ. क्योंकि होता क्या है, यूपीएससी की तैयारी के लिए एक और बच्चा जा रहा है, अगर आप उससे कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. इस समय एमएससी कर रहा है वो. हमको पिछले साल फ़ोन किया था, बोला कि मैम क्या करें, यूपीएससी की तैयारी करनी है. तो हम उसको बोले कोविड का टाइम है, कोई फ़ायदा नहीं इलाहाबाद जा करके, सब कोचिंग बंद मिलेगी, भविष्य खराब मत करिए, एक बार एमएससी में एडमिशन ले लीजिए और फिर अपना यूपीएससी चले जाइएगा. होता क्या, अगर यूपीएससी में नहीं निकला तो 2-3 साल बाद आप केवल ग्रेजुएटेड कहलाएंगे. कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत ज़रूरी, केवल वही कहना मान करके वो बंदा ज्वाइन किया. अभी 3-4 दिन पहले भी कोचिंग पे आया था बातचीत करने कि मैम एमएससी का कब से शुरू कर रही है. उनका नंबर हम दे देंगे, विक्रांत नाम है, आपका सीनियर है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं. पीजी डाल दीजिएगा, ये रिस्क मत लीजिएगा. पता चला यूपीएससी भी नहीं निकला, भाई एक बार में तो निकलता नहीं है, सालों साल लग जाते हैं, नहीं निकला तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएटेड कहलाएंगे, वरना केवल ग्रेजुएटेड ही कहलाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है ग्रेजुएशन का. तो उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, हमसे नंबर मंगा लीजिएगा विक्रांत को, और कह दीजिएगा मैम से नंबर मिला है और कुछ पूछना चाहते होंगे तो पूछ लीजिए, नहीं हो तो उनके साथ भी आप जा सकते हैं, आपके सीनियर हैं 1 साल. ठीक है, अब देखिए, आपने कहा था z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रो, है ना. तो डी जेड अपॉन डी रो निकालेंगे तो मिलेगा f डैश रो. ठीक है अभिषेक, ये चीज. तो डी जेड अपॉन डी रो की जगह क्या लिख सकते हैं, f डैश रो. दिस इंप्लाइज डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी रो अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर 1 प्लस एफ डैश रो का स्क्वायर. ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3. हो गया यहाँ तक? अब डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर,
इस वैल्यू को ले जा करके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में. ठीक है, लिखिए यूजिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू. यूजिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू कॉमा वी गेट. यूजिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू कॉमा वी गेट. चलिए देखिए डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर का मतलब डी रो अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर डी फाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर वन प्लस एफ डैश का स्क्वायर रो. ठीक, प्लस रो स्क्वायर डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस टू जी जेड. इतने में कोई दिक्कत नहीं. फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट वन प्लस एफ डैश रो का होल स्क्वायर डी रो अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर इंटू डी फाई बाई डी टी की वैल्यू. देखिए पीछे कहीं निकाली है क्या डी फाई बाई डी टी की वैल्यू. इक्वेशन नंबर वन में लिखा है डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एच अपॉन रो स्क्वायर. ठीक है, वहां से डी फाई बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा एच अपॉन रो स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर. डी फाई बाई डी टी की जगह एच अपॉन रो स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस टू जी जेड की जगह फंक्शन ऑफ रो. ठीक है, जेड इज इक्वल टू एफ रो था. फिर देखिए इससे मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट वन प्लस एफ डैश रो का, ये इसका स्क्वायर नहीं है, इसी का स्क्वायर है, का स्क्वायर डी रो बाई डी फाई का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन रो पे पावर फोर सॉल्व होगा एच स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस टू जी फंक्शन ऑफ रो. ठीक है, इसको एक काम करिए डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर कॉमा वी गेट, क्योंकि एच स्क्वायर आपको पता है कांस्टेंट है. एच स्क्वायर हमने लिखा था कांस्टेंट, एच इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन नंबर वन में. तो अगर एच स्क्वायर कांस्टेंट उसे डिवाइड करेंगे तो आएगा वन बाई रो पे पावर फोर डी रो अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट वन प्लस एफ डैश रो का स्क्वायर प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड करेंगे कांस्टेंट माइनस टू जी कांस्टेंट एच स्क्वायर कांस्टेंट साथ में आएगा फंक्शन ऑफ रो. इसमें आप देख सकते हैं डेरिवेटिव्स मौजूद है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें डिफरेंशियल कोफिशियंट्स पाए जाते हैं. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिफरेंशिएट होता है दैट इज़ रो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाई डिफरेंशियल कोफिशियंट्स. उतारिए इतना.
हो गया। लिखिए नीचे से विच गिव्स द डिफरेंशियल इक्वेशन, विच गिव्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द मोशन ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, अब दो क्वेश्चन और हैं, लिखिए क्वेश्चन। लिखिए अ स्मूथ हेलिक्स, अ स्मूथ हेलिक्स इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सेस वर्टिकल एंड अ स्मॉल बीड slides down it under gravity, then show that it makes its first revolution, it make its first revolution from rest in time to under root pi a upon g sine alpha into cos alpha. नीचे से लिखिए where alpha is the angle of the helix. देखिए क्या कह रहा है, हेलिक्स जानते हैं कैसे बनता है? ये कोई सिलेंडर होता है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, जब इस सिलेंडर पे इस तरीके से करके वायर को लपेटा जाता है उसी को हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग है वेलोसिटी v जीरो है, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू टी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है थीटा नॉट प्लस टू पाई। जैसे एक चक्कर लग जाता है ना हेलिक्स का, ऐसे एक चक्कर लगाएगा चारों तरफ लपेट करके तो कितना साइकिल पूरा कर लिया, टू पाई, 360 डिग्री। तो अगर यहाँ एंगल ज़ीरो होता है तो एक चक्कर के बाद टू पाई प्लस थीटा, एक और चक्कर के बाद फोर पाई प्लस थीटा, एक और चक्कर के बाद सिक्स पाई प्लस थीटा, टू पाई से इंक्रीमेंट होता जाता है एक एक चक्कर का। ठीक है, तो यहाँ पर लपेटाया एक चक्कर कंप्लीट करके फिर यहाँ आया, ये मतलब ऐसे लपेटा जा रहा है, पूरा ऐसे लपेटा जा रहा है, एक चक्कर लपेटा, एक चक्कर लपेटने के बाद यहाँ आया थीटा प्लस टू पाई, एक और चक्कर लपेटने के बाद यहाँ आया थीटा प्लस फोर पाई, एक और चक्कर लपेट के यहाँ आया थीटा प्लस सिक्स पाई। तो यहाँ एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फोर पाई, यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ पे थीटा नॉट प्लस फोर पाई और ऐसे करके निकल जाएगा ओरिजिन ज़ीरो, इसी को हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, कह रहा है इसकी एक्सिस वर्टिकल है और स्मॉल बीड स्लाइड कर रही है, तो यहीं से स्मॉल बीड स्लाइड करेगी, छोटी सी कोई बीड, तो जब यहाँ से शुरू करेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो, स्लाइड करना शुरू करेगी।
तो कह रहा है देन शो दैट इट मेक्स इट्स फर्स्ट रिवॉल्यूशन फ्रॉम रेस्ट इन टाइम. एक चक्कर लगाने में, यही एक चक्कर है जो लगा टाइम है वो आपको निकालना है और प्रूफ करके दिखाना है कि वो टू अंडर रूट पाई अपॉन जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के क्या होगा, बराबर होगा. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. चलिए लिखिए सॉल्यूशन में, लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ हेलिक्स इज, लेट द इक्वेशन ऑफ हेलिक्स इज, लेट द इक्वेशन ऑफ हेलिक्स इज, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा. x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, z इज इक्वल टू a थीटा tan अल्फा. हेलिक्स का इक्वेशन हो गया. नीचे से लिखिए वेयर स्मॉल a इज द रेडियस, वेयर स्मॉल a इज द रेडियस एंड अल्फा बी द, एंड अल्फा बी द एंगल ऑफ द हेलिक्स, एंड अल्फा बी द एंगल ऑफ द हेलिक्स. फिर नीचे से लिखिए लेट स्मॉल टी बी द टाइम, लेट स्मॉल टी बी द टाइम फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देन देन देखिए डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ए साइन थीटा, और थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो ए कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी जेड अपॉन डी टी करेंगे तो ए और टेन अल्फा कॉन्स्टेंट आएगा डी थीटा बाई डी टी. दिस फिर देखिए सिंस अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा था डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर. क्यों भाई, ये जानते हैं ना, रिजल्ट डी जी में भी पढ़ा है कई बार. ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 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 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों मिल करके देंगे ए स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, जिससे आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, उतारिए डायग्राम बनाइए.
सूटकेस? हाँ। कैसा सूटकेस? ये शंकु दे दे, हमको लाना है। अच्छा ठीक है। ठीक। अब इतने दो। अभी पढ़ा के आएंगे तब देते हैं। ऊपर रखा है ना, पापा उतारेंगे। लगा के रख दिए तुम्हारा सूटकेस। ये भैया टांग ले जाएंगे, दीदी ले जाएंगी, मारेंगी बहुत तेज। पाको यहाँ से। हो गया। नीचे से लिखे, सिंस वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंस वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। डांट रही है, डांट रही है। तुम्हारा हम रख दिए बेटा। सिंस वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, ये आपको पढ़ा है आपने। वर्क डन किया हुआ कार्य जो है काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी के फॉर्म में रह जाता है। नीचे से लिखिए, इफ ये कौन सा एक्सेस है? जेड एक्सेस। यहाँ पे मान ले रहे हैं पोजिशन है जेड नॉट, और यहाँ पर मान ले रहे पोजीशन है Z, तो वर्टिकल हाइट कितनी हो गई? Z नॉट और Z, ठीक है। लिखिए, इफ Z नॉट बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ Z, इफ Z नॉट बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ Z, देन अबव रिलेशन गिव्स, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, इसके बीच की हाइट। हाइट निकालनी है तो फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इम्प्लाइज दैट डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर एम से एम कैंसिल, 2g z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2g z माइनस जेड नॉट। z मतलब ए थीटा टेन अल्फा माइनस ए थीटा नॉट टेन अल्फा। This implies that d theta by dt ka whole square is equal to 2ag tan alpha theta minus theta naught upon a square sec square alpha. ठीक है, उतारिए इतना। वर्णन को कर रहा है।
यहाँ तक हो गया? फिर नहीं तो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया ना आप लोगों को, लेट जेड जेड नॉट बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ जेड देन द अबव रिलेशन बिकम गिव्स, ये लिखवाया ना आप लोगों को, बस इसके बाद से यहाँ से उतार लीजिए ये, ठीक है? नहीं समझे? देखिए हमने आपको क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन एम जी जेड माइनस जेड नॉट। तो हमने आप लोगों को लिखवाया ना इक्वेशन टू के नीचे से, वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इफ जेड नॉट बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ जेड देन द अबव रिलेशन गिव्स, है ना? इसके बाद यहाँ से उतार लीजिए, हो गया? यहाँ तक उतर गया? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को एक साथ कर दीजिए, टू जी साइन अल्फा अपॉन ए कॉस अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा का मतलब वन अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है? अंडर रूट में थीटा माइनस थीटा नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट ये कटेगा, ऊपर जाएगा, आएगा टू जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अंडर रूट में अपॉन ए, ठीक है? डी टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन अंडर रूट में थीटा माइनस थीटा नॉट, इक्वेशन नंबर थ्री। देखिए हो गया, चलिए हम नीचे से लिखें, इफ टी वी द रिक्वायर्ड टाइम, इफ स्मॉल टी वी द रिक्वायर्ड टाइम एंड थीटा वेरीज फ्रॉम एंड थीटा वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? वेरीज फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा नॉट प्लस टू पाई, थीटा नॉट टू थीटा नॉट प्लस टू पाई इन फर्स्ट रिवॉल्यूशन, थीटा नॉट टू थीटा नॉट प्लस टू पाई इन फर्स्ट रिवॉल्यूशन, देन देखिए इंटीग्रेट करने चल रहे हैं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो 2g sin अल्फा cos अल्फा अपॉन अंडर रूट ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 1 को t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे t का मान 0 यहाँ पे t का मान t, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t, ठीक है? इज इक्वल टू इंटीग्रल डी थीटा अपॉन अंडर रूट थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा की वैल्यू पहली वाली है थीटा नॉट और थीटा की वैल्यू
दूसरी है थीटा नॉट प्लस 2 पाई, देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट 2g साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट ए, 1 का आएगा टी माइनस 0 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करने के लिए थीटा माइनस थीटा नॉट की जगह पुट कर दीजिए, पुट थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो डी थीटा इज इक्वल टू 2u du, यहाँ पे रखेंगे मिलेगा इंटीग्रल टी थीटा की जगह 2u du अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर, जहाँ u की लिमिट निकलवाइए, जब थीटा की जगह थीटा नॉट रखेंगे तो u की वैल्यू 0, थीटा की जगह थीटा नॉट प्लस 2 पाई रखेंगे तो u की वैल्यू 2 पाई, ठीक है अभिषेक। दिस इम्प्लाइज 2g साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन a अंडर रूट में इंटू टी इज इक्वल टू, यू से यू निकलेगा कट जाएगा, 2 बाहर हो गया, 1 को यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे यू आएगा, लिमिट रखेंगे तो मिलेगा 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। इससे टी की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा टी इज इक्वल टू एक चीज़ देखिएगा, इसको रूट में लेकर के जाएंगे 2 अंडर रूट 4 पाई अपॉन a 2g साइन, गलती हो गई थोड़ी सी हमसे, u की लिमिट निकाली तो u स्क्वायर की निकली, ये अंडर रूट 2 पाई आएगा, ठीक है, समझ गए। थीटा की जगह थीटा नॉट पढ़ेंगे तो u स्क्वायर 0, मतलब u 0, थीटा की जगह थीटा नॉट प्लस 2 पाई करेंगे तो u स्क्वायर 2 पाई, u की वैल्यू अंडर रूट 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट 2 पाई, 2 अंडर रूट 2 पाई, 2 अंडर रूट 2 पाई, ठीक है। तो आपको मिलेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आएगा 2, ये इधर आएगा ए पाई अंडर रूट में अपॉन जी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, उतार लीजिए।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल विदाउट